एक सस्ता सा मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाएगा, एकदम मतलब कि एकदम सॉफ्ट बनाएगा, एकदम खूबसूरत बनाएगा, ऐसा मॉइस्चराइजर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। एकदम 100% नेचुरल है। हाय एवरीवन, मैं विशाल और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को एंड तक देखे, और एंड तक देखने के बाद वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ मॉइस्चराइजर के ऊपर। ये मॉइस्चराइजर पुराने जमाने से यूज किया जा रहा है, मॉइस्चराइजर का जमाना तो अब से आने लगा। बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर जिसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले होते हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, और ये जो मॉइस्चराइजर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 100% नेचुरल है, आपकी स्किन को कोई भी हार्म नहीं होगा इससे, इस बात का ध्यान दे। और बच्चों को, बेबीज को भी आप इसको लगा सकते हो, जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको भी लगा सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस मॉइस्चराइजर का। तो मॉइस्चराइजर क्या है, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है, और 100 ml आई थिंक 32 या 34 रुपीज का मिल जाता है, तो बहुत सस्ता मॉइस्चराइजर है। वैसे तो मॉइस्चराइजर 60 रुपीज से, 100 ml का 60 रुपीज से लेकर के 500 1000, पता नहीं ब्रांड के ऊपर, पर बहुत सारे केमिकल्स डाले हुए होते। तो ये देखिए, एक कोकोनट ऑयल है। हम कोकोनट ऑयल को इसी ऐसी बॉटल में रखते हैं गांव में, प्लास्टिक में भी आता है पर हम इसमें रखते हैं। और देखिए मेरे हाथ एकदम फट, सर्दियों में मेरे हाथों का इतना बुरा हाल हो जाता है, देखिए एकदम व्हाइट व्हाइट होते हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, अब ज्यादा सर्दी अगर आने लगे तो सांप की स्किन निकलती वैसे स्किन भी निकलती है, पर मैं स्किन निकलने तक इंतजार नहीं करता। सिंपली इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, आपके हाथ पे लगाओ और मालिश करते करते आपको ये मॉइस्चराइजर के जैसा अंदर नहीं चला जाएगा, थोड़ा सा अंदर जाएगा, थोड़ा सा बाहर रहेगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डस्ट डस्ट को ये मतलब कि ये देखिए, अब मैं हाथ पे लगा के इस पे पूरी स्किन पे लगा देता हूँ, तो सस्ता सा है और बहुत इफेक्टिव है। आप लगा लो इसको अच्छी तरह से, थोड़ा सा मालिश करते टाइम इस बात का ध्यान दो, मालिश आपके बॉडी को, बॉडी से एक्सटर्नल पार्ट से इंटरनल पार्ट, मतलब कि आपके हार्ट के तरफ बॉडी का ब्लड फ्लो होना चाहिए, इसलिए इस तरीके से मालिश कीजिए। देखिए इस तरीके से मालिश करेंगे आप, इस तरीके से मालिश कभी नहीं करना, इस तरीके से मालिश करना तो आपको कोई भी मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होगी, और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इस चीज से अच्छा होगा। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से लगा दिया है, इसको ज्यादा टाइम तक भी आप मालिश कर सकते हो 5-10 मिनट के लिए, पर मैं अभी वीडियो बना रहा था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो आप इसको लगाइए, लगाने का तरीका क्या है, किस किस टाइम पे आपको इसको लगाना है। आप जब नहा के आते हो ना, तो उसके बाद आपकी स्किन जब ड्राई होती है, व्हाइट व्हाइट दिखता है, मेरी स्किन तो बहुत ज्यादा ड्राई होती है सर्दियों में, तो मुझे ये लगाना ही पड़ता है। मॉइस्चराइजर मैं कभी यूज नहीं करता, मेरे घर में पड़ा हुआ होता है, फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं पर मैं नहीं करता। ये बहुत सस्ता सा, बहुत अच्छा सा है, और ये मॉइस्चराइजर ही नहीं, आपकी स्किन से जो गंदगी होती है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको भी अब्सॉर्ब करेगा, और जब आप दूसरे दिन इस नहाने जाओगे ना तो पूरा का पूरा निकल के जाएगा, और आपकी स्किन थोड़ी सी ग्लोइंग हो सकती है पर सॉफ्ट इतनी हो जाएगी कि जो बेबी की स्किन होती है ना सॉफ्ट सॉफ्ट, उस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। मुझे बहुत दुख होता है कि लोग मॉइस्चराइजर के पीछे भागते हो, बहुत सारे पैसे खर्च करते हो, सस्ती सी चीजों को कभी भी ध्यान नहीं देते। तो आप भी इस मॉइस्चराइजर को, इस ऑयल को यूज कीजिए, कोकोनट ऑयल के। आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, ड्राई कोकोनट से निकला हुआ भी यूज कर सकते हो, ओरिजिन कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखिए, ये देखिए व्हाइट व्हाइट दिख रहा था, अब पूरे हाथ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट दिख रहे देखो, और लगाने के बाद ही अच्छा खासा इसको ये दिखाई देता है, चमकता है थोड़ी देर में पर अब्सॉर्ब हो जाता है कुछ, और जो डेड स्किन होती है वो भी इससे निकल के जाती है। दूसरे दिन अगर आप इसको रगड़ रगड़ के ऐसे नहाओगे ना तो निकल जाएगी पूरी स्किन, और आपकी स्किन होगी एकदम लाजवाब खूबसूरत। तो आई होप आपको ये एकदम, इसको यूज करते हैं बहुत सारे लोग पर कुछ कुछ लोग इसको अवॉइड करते हैं। लोग को लगता है कि मॉइस्चराइजर बहुत अच्छी चीज होती है, मॉइस्चराइजर अच्छी चीज नहीं होती, कुछ कुछ मॉइस्चराइजर तो इतने गंदे होते हैं कि आपको कैंसर तक लेकर जा सकते हो। तो आप इस मॉइस्चराइजर को यूज कीजिए, मतलब कि इस ऑयल को यूज कीजिए, और अपने फीडबैक मेरे, अपने रिव्यू मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि जो न्यू लोग देखने आते हैं उनको भी लगे कि आप लोग यूज करते हो और इसका कोई फायदा तो है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो
में किसी ऐसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जिसपे आपका ध्यान नहीं रहता है, आपके हेल्थ टॉपिक के साथ, आपके बालों के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, बाय बाय।